सिंपल मिट्टी है जी। ये मैं मिट्टी चुक के आपके खेत से पद्धरा कर रहा हूँ, तो प्रशासन ने आके इतने छापा मार लिया, तो धक्का कर रहा प्रशासन साढ़े नाल, सानू डराबे दे रहा है, परचा करांगे। ये सानू प्रशासन रोटी पानी कमाउण नहीं दिंदा। जे असीं इहनू पद्धर करके फसल बीजांगे तां फसल होगी, नहीं तो ये रेते च फसल हुंदी नहीं हैगी। किसी नूं इह मिट्टी चक्कण नाल कोई नुकसान नहीं, कोई असीं इह बेची नहीं हैगी, कोई कुछ नहीं, फ्री च मिट्टी वह बंदा लजांदा सीगा, कोठे ते पाउणी सी उहने, ते प्रशासन ने उत्ते उहनूं रोक लिया, ते उहदी ट्राली जब्त करदे आ, ते फिर इत्थे आ के जे सी बी नूं रोकण लग गए। भारतीय किसान यूनियन ने सत्याग्रह जिंदाबाद, 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। धक्का जिहड़ा सरासर धक्का कर रही आ, इत्थे कोई बरेती जां रेता चक्कण वाली गल नहीं, इह तां सिर्फ अपने खेत नूं सिर्फ पद्धर करन तक जां इक बंजर पए खेत नूं पैदा बार पैदा करन वास्ते सिर्फ उहनूं पद्धर कीता जा रिहा, उह वी मैनिंग दे नाते सरासर गुंडागर्दी आ जी। इह जिहड़ी मैडम ने अपने SHO साहब, उह इस गल ते राजी नहीं हो रहे, सवेर दे अड़े हुए ने, पर देखदे आ हुण लम्मा मोर्चा जिहड़ा इह पक्का मोर्चा जी, जिन्ना चिर इक फैसला जानी कहण दा मतलब इह रद्द होण नहीं हुंदा, JVC ते परचा रद्द नहीं हुंदा, किसान भरा नूं लिख के नहीं दित्ता जांदा भी तेरे ते कोई कारवाई नहीं हुंदी, उहनां चिर इह जिहड़ा मोर्चा इह लग्गिया रहूगा जी। ਮੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। देखो तुसी आप भी देख सकते हो इत्थे जिहड़ी लोकेशन हैगी आ कि माइनिंग हो रही है नहीं हो रही आ, भावें 3 फिट की हैगी है कि हाँ असी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट उसकी परमिशन तो दिखाना, इन्हां कोल कोई परमिशन है नहीं आ। हाँ जी बिल्कुल, जिवें सानूं माइनिंग ऑफिसर लिख के देंदे ने कि हाँ ये लीगली है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग असी करांगे। नाभा के पिंड रामगढ़ विखे मौजूद हाँ, जिथे एक वड्डा मसला उलझा, वो की मसला क्योंकि तुहानू जानकारी दे दिए, क्योंकि माइनिंग विभाग की एक वड्डी गल सामने आ रही है। जदों नवीं पंजाब सरकार बनी, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान बने, उस तो बाद उन्होंने कहा कि जिहड़ी माइनिंग पॉलिसी आ उह चेंज की जाएगी, उस फेर बदल किया जाएगा, पर उस तो बाद तुहानू जानकारी दिंदे आ कि अज माइनिंग विभाग पुलिस प्रशासन अते भारतीय किसान यूनियन उगराहां आगू आमो सामने ने, क्यों आमो सामने तस्वीरां पहलां तुहानू सारियां दिखाउंदे आ कि एक किसान की जमीन आ, किसान अपनी जमीन दे विचों मिट्टी पटा रहा सी, क्योंकि आले दुआले तो ये किसान दा जानी कि एक टिब्बे वाली मिट्टी आ, ये टिब्बा इतों उच्चा, वो अपनी जमीन चो मिट्टी पटा रहा सी। उस तो बाद माइनिंग विभाग ने इतने छापा मारिया, पुलिस प्रशासन समेत इतने पहुँचे कि मिट्टी क्यों पटा रहे हो। उस तो बाद जो गलबात सामने आई तो भारतीय किसान यूनियन उगराहां वालों इतने विशेष तौर पर धरना लगा दिता गया, इकट्ठे होए, तस्वीर तुहानू उधरों भारतीय किसान यूनियन उगराहां दीआं दिखाउंदे आ कि वड्डी गिणती च उगराहां ग्रुप के ब्लाक नाभे के आगू पहुँचे कि किसानां नाल धक्का कर रही है सरकार, सो तस्वीर तुहानू सीधियां दिखाईआं ने अते पहुँचियां, बाकी पूरी जानकारी किसान तो लवांगे। ये किसान ने जिन्हां ते माइनिंग विभाग ने अज कितें ना कितें पुलिस प्रशासन ने परचा करन दी भी कोशिश करी आ, कह रहे थे कि असीं JCB भी जब्त करांगे, तो ट्रैक्टर भी जब्त करांगे। बाकी गलबात करदे आ, हाँ जी भीर जी, की नाम है जी अपना? करनैल सिंह है जी। करनैल जी, की आ जी सारा मामला, तुसी मिट्टी कदों पटाउण लगे, कदों तुहाडे कोल आए, की सिस्टम आ सारा? सारा मामला यह है जी, आ मेरा खत्ता है जिहड़ा आले दुआले जमीन तो उच्चा है, तीन फुट उच्चा है, तो आले दुआले किसी नूं इहदे चो मिट्टी चक्कण का कोई नुकसान नहीं, ये कोई रेता नहीं हैगा, बरेती नहीं हैगी भी जिहड़ी मकान उसारी दे काम च आऊ, सिंपल मिट्टी है जी। ये मैं मिट्टी चुक के आपके खेत से पद्धरा कर रहा हूँ, तो प्रशासन ने आके इतने छापा मार लिया, तो धक्का कर रहा प्रशासन साढ़े नाल, सानू डराबे दे रहा है, परचा करांगे। ये सानू प्रशासन रोटी पानी कमाउण नहीं दिंदा, जे असीं इहनूं पद्धर करके फसल बीजांगे तां फसल होगी, नहीं तो ये रेते च फसल हुंदी नहीं हैगी। असीं भी देख रहे कि आले दुआले टिब्बे ने जी, जिवें तुहाडी आ जमीन थी तकरीबन 3-4 फुट उच्ची आ जी, इस तों पहलां भी मैनूं लगदा जिहड़े किसानां ने पुरातन समयां दी गल करी, टिब्बे चक्की पद्धर करी, सारी टिब्बे चक्के पद्धर करी, जां उधर देखो उधर सारे
चक चका के पद्धर करी हुई है जी। हाँ यह उपजाऊ होंगी है। मैं लगता यह रहेगी होनी जी पहला वैसे जद्दी मालकी थोड़ी अपनी जद्दी। हाँ जी साढ़े प्यो दादे की है। पहला भी होर आले दुआले मिट्टी होर लोगों ने भी चकी हुई है। होर लोगों ने भी चकी है असं भी पहला चकी है जी। पद्धर करे ने आले दुआले के खत्ते सिर पा खत्ता रहा यह भी ढाई तीन फुट उच उच्चा थी इस आले दुआले नीवी है। किसी को ये मिट्टी चकन नाल कोई नुकसान नहीं कोई असी बेची नहीं हैगी कोई कुछ नहीं फ्री च मिट्टी वह बंदा लजांदा सीगा कोठे ते पौनी सी उहने ते प्रशासन ने उत्ते उहनू रोक लिया ते उहदी ट्राली जब्त करदे आ ते फिर इत्थे आके जेसीबी नू रोकण लग गए ते इदां दा हैगा इह। पर पुलिस पहलां पहुंची जां माइनिंग विभाग गई इत्थे पहुंच गए सी? पहला पुलिस आए जी पुलिस ने फिर माइनिंग वाले सद्या जी जब असं उन्होंने पुलिस वाले कहा भी तुम इतने मतलब धक्का कर रहे हो वो कहें भी असं माइनिंग विभाग में बुलाने जो रिपोर्ट देंगे उस तरह का। ठीक है बिल्कुल। अच्छा उस तो बाद भारतीय किसान यूनियन उग्राहां फोन करे या गलबात करी बुलाई? असी मोर्चे च जाते रहे जी दिल्ली तो असी अपने जथेबंदी के आगुओं को फोन करे तो फिर उन्होंने आके मौका देख के जदों देखा भी प्रशासन धक्का कर रहा है तो फिर यह मोर्चा लाता जी। इतने मोर्चा अणमिथे समय लिए चलूगा जिनी देर ये कोई मसला हल नहीं है। ठीक है बिल्कुल। हुण गलबात वैसे की चल रही है क्योंकि एस एच ओ साहब खड़े ने इत्थे माइनिंग विभाग के ऑफिसर खड़े ने साडे लीडर कर रहे ने मैनूं डिटेल्स तां इन्ना पता नहीं ये तो उन्होंने पता होगा जिहड़ी बाकी जिवें जथेबंदी फैसला करेगी उस हिसाब नाल सी मसला। बिल्कुल जी गमदूर जी भारतीय किसान यूनियन उग्राहां तों तुसीं ते किवें लगदा तुहानूं मसला क्योंकि अपने खेत चों मिट्टी चका रहे ने रामगढ़ के किसान ने ते की लगदा कि पुलिस प्रशासन ने किवें इत्थे छाप गल आखी आ? बिल्कुल जी देखो जिवें हुण पुलिस दीआं गड्डियां भर के आ गईआं इह सरासर इक गुंडा राज वाली गल आ। जिवें हुण इक किसान तुहानूं दस्से रिहा इह तकरीबन असीं देख रहे हां तकरीबन 4 तों 5 फुट आम खेतां नालों उच्चा खेत आ इह। उहनां ने सिर्फ फसल पैदा करन वास्ते इह मिट्टी चका रहे ने लम्मा समां हो गया क्योंकि 1 किले दे करीब इह खेत आ। पर जदों इह मिट्टी चकाउंदे चकाउंदे सवेरे अज शुरू कीता कम तां सब तों पहलां सीटां वाली चौंकी तों चमकौर सिंह ने आके ककराले जिमीदार नूं घेर लिया। जिमीदार नूं बड़ा माड़ा चंगा बोलिया गलामे तो फड़ के कहना जे मेरा ब्लड प्रैशर बढ़ गया तेरे मैं 76 परेड करूँगा ईवन इत्थे तक शब्द बोले। पर जदों उत्थे वड्डा कट होया उहनूं मजबूरी चोक जिहड़ा किसान आ छड्डना पिया पर उत्थों जदों ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਭੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਕਰਾਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਰਾਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਸੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀ ਏਕਤਾ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 3.5 ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 4 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜੀ ਖੇਤ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ 5 ਫੁੱਟ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਆ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵੀ ਸੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੇਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇਤੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਪਏ ਖੇਤ ਨੂੰ
पैदा बार पैदा करने वास्ते सिर्फ उन्होंने पद्धर किया जा रहा वह भी माइनिंग के नाते सरासर गुंडागर्दी है जी। ये वैसे माइनिंग अफसर माइनिंग विभाग भी यह गल कह रहा कि सातों अथॉरिटी लेनी थी जी, असं वट्सअप से भेज देंगे ऐ भेज देंगे, मतलब ये गल कर रहे हैं, इन किमें देखते हो तुम? देखो जी, ये मंजूरी वाली गल करता, जे तो मामला माइनिंग का हो असी रेता कढ़ते हुई आम खेतों नालों 10 फुट नीमा टोआ लैके जाते हुई तो बिल्कुल साड़ी मंजूरी बनती है, पर जिहड़ा ये कह रहे हैं मंजूरी वाली गल कोई ऐसी गल नहीं। दूजी गल लिख के दिता होया जी सरकार ने भी 3 फुट तुसीं मिट्टी चक सकदे हो, पर गल ये फिर कहने जी 3.5 फुट चक ली, साडा खेत तो 4 तो 5 फुट उच्चा, अमन जी तुसीं देख सकते हो 5 फुट उच्चा जिहड़ा ये रेता चक्किया आपां ने 5 तो 7 फुट, पर जाके फिर भी आम खेतों नालों उच्चा, ये सिर्फ सोसेबाजियां ने जी, कोई एडी गल नहीं हैगी मंजूरी वाली। जे माइनिंग वाली गल हुंदी तां बिल्कुल मंजूरी लैण दा हक बनदा साडा। बिल्कुल, जे गलबात करिए संगरूर पटियाला दे जिहड़े मतलब किसान ने, उन्होंने जी पहले 10-10 फुट 15-15 फुट कहिंदे टिब्बे पद्धर करे ने, इह करे ने जी क्योंकि पद्धर करके उन्होंने चलाई आ जमीन। बिल्कुल जी, जे देखदे आ इह सारे तुसीं आले दुआले आले दुआले मारो निगाह, इह 8-8, 10-10 फुट उच्चे टिब्बे सीगे जी, हुण जे 3 फुट की गल करिए तां वी अज इह 7 फुट उच्चा खड़ा हुंदा। साडी मजबूरी आ आम खेतां दे बराबर पाणी पहुंचाउण वास्ते, सो ये कोई माइनिंग वास्ते हो सकता भी 3 फुट डूंगा कानून होगा, पर जे जिमीदारां वाली गल करिए जिमीदारां दे कोई यह कानून वाली गल नहीं। बाकी जिहड़ी यह परमिशन वाली गल करदे ने, देखो अज यह कानून माइनिंग का लैके आए ने, यह पिंडां दे विच जाके पंचायतों जागृत करन, सरपंचां नूं सुनेहे लाउण, भी ये वट्सअप से इदां इदां दी मंजूरी ली जाती है, तो लोग बिल्कुल सरकार के मुताबिक चलते ने जी। जदों नवें कानून लैके आउंदे ने लोगों नूं उह चीज़ां का पता नहीं, देखो वट्सअप से कोई सेंड करना कोई नाउ सेंड करना कोई बड़ी गल नहीं, अज लोग पढ़े लिखे ने, पर जदों लोगों को अवेयरनैस नहीं हैगी लोगों को जागृति नहीं हैगी तो वो चक्कर च भी बड़ी गल आ। सो इन्हों कहा भी कोई गल नहीं, जो आने वाले समय के कोई इदा के तुम लोगों जागृत करोगे तो लोग तो मुताबिक चलेंगे जी। ठीक है, जानि कि भी जागरूक करो पहले लोगों को इतलाह दो भी जो तुम मिट्टी चकनी है तो सूँ जानकारी दवो, जानि कि पता ही नहीं है किसानों। बिल्कुल जी, अज्ज पिंडां दे विच जाके पंचायतों के नाल मेल करके पंचायतों के कैंप ला के किसानों दस्या जा सकता भी आह नंबर आ तुम ये नंबर पर इदा करके परमिशन ले सेंड कर सकते हो, लोगों से जागृति आऊ, लोग खुद चाहते ने भी असी जी आह पुलिस की गुंडागर्दी आ ये मुल ना लीए, सो उस तो बचण वास्ते ये भी वो परमिशन ले लेंगे, पर जदों आम लोगों को यदि जानकारी नहीं हैगी जी, वो एक अपना खेत पद्धर करने वास्ते पैदावार पैदा करने वास्ते जदों खेत को पद्धर करता मतलब कानून के नाते इस सरासर जी प्रशासन गुंडागर्दी करता जी। बिल्कुल, हुण धरना प्रदर्शन तो शुरू करता, कदों तक चलना है, कदों तक बैठोगे? अमन जी थोनू पता ग्राहां दे झंडे जदों गड्डे जांदे ने उदों ही चक्के जांदे ने जदों जित हुंदी आ, जिहड़ी ये साडे संघर्ष की जां अज धरने की गलबात आ ये बिल्कुल नेड़े लगी हुई है जी। सिर्फ वो लिख के दे देण सानू और मैक ते जाके लोकां तों माफ़ी मंग लैण भी ठीक है, इस जिहड़ा मामला उते कोई कार्रवाई नहीं की जाऊगी तो यह जिहड़ा धरना चक्या जाऊगा उन्ना चिर धरना चक्या नहीं जाना जी। जानी कि लिखवाना यह चाहते हो भी कोई कार्रवाई नहीं होंगी, कोई गलबात नहीं जी, कोई असं कुछ कहते नहीं भी ये लिख के दे देना? बिल्कुल जी, जिमें इतने के एस एच ओ ने वो कहते साडे ते विश्वास करो, भी ठीक है असी थोड़े ते कोई परचा नहीं करते क्योंकि सरकारां सानू बहुत बारी वादे कर चुकियां ने, प्रशासन सानू तड़के तो लेके आथण तक वादे करता वो एक गल ते भी खड़ा नहीं रहिंदा, सानू इन्हां ते विश्वास नहीं, सो असी सिर्फ इन्हां तों लिख के मंग करते हैं भी लिखती दे विच सानू मंग दे दो भी इस किसान ते कोई कार्रवाई नहीं होगी, ट्रैक्टर और JVC ते कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। ठीक है, बिल्कुल जी। सो रामगढ़ विखे एक वड्डा मसला गंभीर होया जिथे किसान माइनिंग विभाग पुलिस आमो सामने ने, क्योंकि कित ना कि जो गलबात करिए इतने जिवें माइनिंग पॉलिसी पंजाब सरकार नवी बनी है कि पॉलिसी नवी लेके आवेंगे उस तो बाद किसान अपनी जमीन चो अपना जो उच्चा टिब्बा जा उच्ची मिट्टी आ उच्चा खेत आ उस तो मिट्टी चक रहा है तो अचानक पुलिस भी पहुंची माइनिंग विभाग पहुंचा तो उस तो बाद उगराहां ग्रुप ने इतने धरना प्रदर्शन शुरू करता कि पहले सानू जागरूक करो अथॉरिटी जे लैनी असी ले सकते थे पर सानू पता ही नहीं हैगा कि जागरूक करनगे तो सानू पता लगेगा अते हुण धरने की गल इत्थे अड़ गई कि पहला साढ़े तो मुआफ़ी मंगी जाए किसान तो क्यों छापेमारी करिया अते कोई भी कार्रवाई ना की जाए हुण देखना होगा कि कदों पुलिस प्रशासन अते माइनिंग विभाग का तालमेल हुंदा किसान यूनियन नाल अते कदों मसला सुलझेगा। मैनू इनफॉर्मेशन मिली सी इस दे बिहाफ ते मैं इत्थे आई हूँ तो जो चैक किया तो JCB ते ट्रैक्टर ट्राली खड़े हुए तो जिहड़ा ड्राइवर सीगा मौके तो भज गया तो बस इस तो बाद असीं इन्हां तों परमिशन मंगी सी जे तुहाडे कोल परमिशन हैगी आ सानूं दिखा दो बट इन्हां ने कोई परमिशन पेश नहीं की तो बाकी होर जिहड़े किसान यूनियन दे ने इत्थे आए हुए कहिंदे असीं लेके नहीं जाण देणी बाकी असीं माइनिंग ऑफिसर बुलाया होया
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 3 ਫਿੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲਾਉਣ, ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ GCB ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਅਪ ਟੂ 2 ਏਕੜ ਏਰੀਆ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੰਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ 2008 ਤੋਂ ਰੂਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, 2008 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਡੂੰਘਾਈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੋਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਏਕੜ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅੱਗੇ, ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੇਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਬਸ ਰੋਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ। ਸੋ ਨਾਭਾ SHO ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭੀਮਾ ਪੱਟੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।